क्या योगी के लिए वंदे मातरम इतना जरूरी है? आखिर विकास की राह पर चलते योगी की सुई अचानक वंदे मातरम पर क्यों अटकी? और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम पर अपने सख्त विचार सामने रखे। जाहिर सी बात है कि वंदे मातरम गाना या न गाना आजादी के वक्त से ही इस देश में सबसे संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। योगी ने कहा कि संकीर्णता से उबरने के लिए हम सबको रास्ते तलाशने होंगे। सब जानते हैं कि योगी वंदे मातरम के पुराने समर्थक हैं, लेकिन जब से उन्होंने सीएम पद की कमान संभाली है तब से वो अपनी छवि विकास पुरुष की तरह बनाने में भी लगे हैं। लेकिन अचानक से जब योगी वंदे मातरम पर बोल पड़े तो फिर से लगा कि वो अपनी पुरानी छवि से पीछा छुड़ा नहीं पा रहे हैं। योगी का इतिहास हिंदूवादी नेता का रहा है, जो अक्सर मुस्लिम विरोधी बयानों की वजह से विवादों में रहे। अब जब बीजेपी की तरफ से उन्हें यूपी में जिम्मेदारी सौंपी गई है तो शायद उन्हें विवादों से दूर रहना चाहिए। वैसे इस मामले में योगी को प्रधानमंत्री मोदी से भी सीख लेनी चाहिए, जिनका इतिहास खूब विवादित रहा, मगर पिछले 3 सालों में उनके ऊपर किसी भी तरह के विवादित बयान की तोहमत नहीं लगी। आज वो विकास पुरुष की छवि हासिल कर चुके हैं। साफ सी बात है कि अगर योगी को भी हिंदूवादी नेता की जगह यूपी का सबसे कामयाब मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें कई विवादित मुद्दों से किनारा करना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मीडिया में उनकी चर्चा एक बार फिर वैसी ही बातों के लिए होगी जैसी बातों के लिए वो सीएम बनने से पहले जाने जाते रहे हैं, और शायद खुद योगी भी ऐसा नहीं चाहते होंगे। इंडिया न्यूज़ वायरल रिपोर्ट।